अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लौंची और दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोनों चीज़ें बहुत ही टेस्टी बनती हैं, आप लोग बिलाज़मी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ये आम का सीज़न है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ लौंची की रेसिपी शेयर करूँ। बहुत ही अच्छी बनती है, आप लोग बिलाज़मी ट्राई करिएगा, पसंद आएगी आप लोगों को। 1.5 कप मैंने ऑयल ऐड कर दिया है इसमें, और अब मैं गरम मसाला ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून कलौंजी ली है, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मेथी दाना लिया है। 2 से 3 सेकंड तक मैं इसको कुक करूँगी, और अगर आप लोग चाहें तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। 5 से 6 मैंने केरियाँ ऐड कर दी हैं इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इतना कुक करूँगी कि ये सॉफ्ट हो जाए। हाई फ्लेम पे रेडी करेंगे, और यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें 9 से 10 ग्रीन चिली ऐड करूँगी और इसको अच्छे से 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे कि हरी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, और उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सॉल्ट जाएगा, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, हल्दी 1 टेबलस्पून ऐड की है, और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया कुटा हुआ ऐड किया है, और इसको मिक्स कर लेंगे और ये रेडी है। अब मैं आपके साथ दाल की रेसिपी शेयर करूँगी। दाल मैंने मूंग की और मसूर की 1/2 कप ली है, और 1 कप मैंने ली है चने की, क्योंकि इसमें चने की दाल ज़्यादा जाएगी और मूंग की और मसूर की कम जाएगी। और सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें, और 3 लार्ज टमाटर ऐड कर देंगे, और इसको रख देंगे ढककर और इतना कुक करेंगे कि चना अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि दाल गल गई है या नहीं। तो यहाँ पे चने की दाल नहीं गली थी, तो मैं टमाटर को इस तरह प्रेस करके मिक्स कर लूँगी, और अगर आप लोग चाहें तो उस टाइम छिलकों को रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी हमें रिमूव करने ही हैं। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चेक करूँगी कि दाल अच्छे से गल गई है। तो यहाँ पर चने की दाल गल चुकी है। अब हम विस्क कर लेंगे इसको अच्छे से, और टमाटर जो एक्स्ट्रा हैं, जो सॉफ्ट नहीं हुए हैं, उसको रिमूव कर लेंगे और छिड़कों को भी रिमूव कर लेंगे। बहुत अच्छी बनती है, आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा। सारा टेस्ट इसका ना भंगार से आएगा। अब हम भंगार डालेंगे, ऑयल ऐड कर दिया है, 2 मीडियम साइज़ की अनियन ऐड कर देंगे, और इसको ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जब हम मसाला ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा जल ना जाए। इतनी ब्राउन हो जाए तो हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। जब इतनी ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, और 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। याद रहे कि प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं हो, क्योंकि फिर वो जल जाती है, तो इससे दाल का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। ज़ीरा और गोल मिर्च ऐड कर देंगे इसमें, अदरक ऐड कर दी है इसमें, और इसका भंगार दे देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी बनती है, आप लोग भी लाजमी ट्राई करिएगा, पसंद आएगी आप लोगों को। ग्रीन चिली ऐड कर देंगे इसमें, 2 से 3 हरा धनिया ऐड कर देंगे, और ये रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे, सारी बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुमामीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।